आज आईपीएल 16 में बेंगलुरु स्थित चिन्नास्वामी स्टेडियम में दो रॉयल्स की भिड़ंत देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होंगे तो दूसरी ओर उनका सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स पिछली हार को भुलाकर इस मैच में शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी तो दूसरी ओर विराट कोहली अपने घर पर आरसीबी को जीत के ट्रैक पर ही रखना चाहेंगे। कोलकाता के ईडन गार्डन में आज शाम 7:30 बजे से कोलकाता और चेन्नई की टीमें आमने सामने होंगी। चेन्नई पिछले तीनों मुकाबले जीतकर यहां पहुंचेगी, वहीं दूसरी ओर केकेआर अपना पिछला मैच दिल्ली के हाथों हारकर घर लौटेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएसके जीत का चौका लगाता है या फिर केकेआर अपने घर पर वापसी करता है। लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले को हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने रोमांचक तरीके से 7 रनों से अपने नाम कर लिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए थे, जवाब में लखनऊ की टीम 128 रन ही बना सकी। लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने 68 रनों की पारी खेली पर वो टीम को जीत न दिला सके। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने गुजरात के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए फॉर्म में लौटने के संकेत दिए। हालांकि उनकी पारी टीम के तो कुछ काम नहीं आई, लेकिन इस पारी के दौरान राहुल ने T20 क्रिकेट में 7000 रन पूरे कर लिए हैं। साथ ही उन्होंने विराट कोहली के सबसे तेज 7000 रन पूरे करने वाले रिकॉर्ड को भी अपने नाम कर लिया है। विराट ने 212 पारियों में 7000 रन बनाए थे तो केएल राहुल ने मात्र 197 पारियों में 7000 रन बना लिए हैं। विराट कोहली की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को आरसीबी और पीबीकेएस के बीच हुए मुकाबले से पहले विराट कोहली और पूरी टीम जिस होटल में रुके थे उस होटल में 3 स्ट्रीट शीटर भी रुके हुए थे। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और विराट की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने दी। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बल्लेबाजी करने आए गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। गिल क्रीज पर सिर्फ 2 बॉल ही टिक सके और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। कृणाल पांड्या ने गिल को 0 के स्कोर पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस आईपीएल में बेहद ही साधारण रहा है गिल का प्रदर्शन। गिल के स्ट्राइक रेट और खेलने के तरीके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के हरफन मौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने एक बार फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम मैनेजमेंट को परेशानी में डाल दिया है। पैर की चोट से उबरने के बाद स्टोक्स एक बार फिर चोटिल हो गए। इस बात की जानकारी टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ये चोट इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन स्टोक्स को मैदान में वापसी करने में 1 हफ्ता और लग सकता है। पूर्व इंग्लिश खिलाड़ी और कोच पॉल कॉलिंगवुड ने हार्दिक पांड्या को लेकर दिया बड़ा बयान। कॉलिंगवुड ने बताया कि जब वो इंग्लैंड टीम के कोच थे तो हार्दिक पांड्या से वो बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हार्दिक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। उनके लिए रणनीति बनाना बेहद ही मुश्किल काम होता था। हार्दिक एक शानदार खिलाड़ी हैं। आईपीएल सीजन 16 में शानदार फॉर्म में चल रही गुजरात टाइटंस की टीम को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आयरिश खिलाड़ी जॉशुआ लिटिल बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के चलते गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ेंगे। जॉशुआ लिटिल आयरलैंड की नेशनल टीम के साथ जुड़ेंगे। इस सीरीज की शुरुआत 9 मई से होगी, जिसका मतलब होगा कि जॉशुआ लिटिल आखिरी के कुछ मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।